हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसवी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं थॉर द डार्क वर्ल्ड। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें लोकी को दिखाया जाता है और थॉर जो अब लोकी को एश्गार्ड में बंदी बना करके लाया होता है। और अब ओडिन लोकी को बहुत ज़्यादा डांटते हैं और कहते हैं कि अभी तक तुमने जितने भी गलत काम किए हैं उन सभी गलत कामों को थॉर ठीक करेगा और तुम अब जिंदगी भर जेल में ही रहोगे और वही अब एश्गार्ड का राजा होगा और नौ रियासतों में भी वही शांति लाएगा। और यहाँ पे अब हम बायफ्रॉस्ट ब्रिज को देखते हैं, वो भी अब पूरी तरीके से ठीक हो चुका होता है। और ये ब्रिज वही होता है जिसे थॉर ने अपने हैमर से पूरी तरीके से तोड़ दिया होता है। यहाँ पे अब थॉर सीधे हैमडाल के पास जाता है और हैमडाल जो अब थॉर को बताता है कि बहुत ही जल्द अब ये नौ रियासतें अपने सीक्वेंस में आने वाली है और इनकी सीक्वेंस में आने की वजह से नौ रियासत किसी भी दुनिया में जाने सीक्रेट रास्ता ओपन हो जाएगा। और ऐसा पहले भी हुआ था जिसके बाद हमारी स्टोरी अब फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पे हमें ये बताया जाता है कि उस आने से पहले डार्कनेस थी और डार्कनेस में काफी बुरे लोग पैदा हुए थे और बुरे लोगों पैदा होने की वजह से यहाँ पे काफी बुराइयां भी हुई थी और उन्ही बुराइयों में से एक था मेलिकन जो अब दोबारा से इन पूरी दुनिया को अंधकार में बदलना चाहता था। और ये सिर्फ एक ही मैटर से पॉसिबल था जिसे ईथर कहा जाता है। और जब ये पूरी नौ रियासतें की नौ प्लैनेट्स जब एक सीक्वेंस में आए थे जिससे कि अब ये पूरे नौ प्लैनेट्स आपस में जुड़ गए थे और यहाँ पे मेलिकन जो अब ईथर की मदद से इन पूरी नौ रियासतों को खत्म करने वाला था, इसीलिए वो उन नौ प्लैनेट्स में ईथर डाल देता है। और इधर अब उन प्लैनेट्स पूरी तरीके से मेल्ट होता है कि इससे पहले एश्गार्ड के दादा यानी कि बॉर ने आकर के मेलिकथ को रोक लिया था और उससे ईथर भी छीन लिया था। इससे अब मेलिकथ की हार हो गई थी और यहाँ पे बॉर ने अब ईथर को जमीन की गहराइयों में छुपा दिया था। और फिर हमारी कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पे हाइमडाल अब थॉर को बताता है कि अब दोबारा से ऐसा ही होने वाला है, अगेन से पूरी नौ रियासतें एक सीक्वेंस में आने वाली है जिसके बाद अब अर्थ दिखाई जाती है। और यहाँ पे हमें जीन फोस्टर को दिखाया जाता है और जीन फोस्टर अपने दो दोस्तों के साथ एक अबेंडेंस की जगह पे आई होती है और ये लोग इस जगह पे इसलिए आए होते हैं क्योंकि ये पता चलता है कि इस लोकेशन पे कुछ अजीब सी चीजें हो रही हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे होते हैं जो अब इन लोगों से कहते हैं कि हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, जिसके बाद जीन फोस्टर और उसके दोस्त उन बच्चों के साथ जाने लगते हैं। यहाँ पे एक बच्चा आगे जाता है और पास में एक बहुत बड़ा ट्रक खड़ा होता है। वो बच्चा अब ट्रक को जैसे ही नीचे से थोड़ा सा उठाता है तब वो ट्रक पूरा हवा में उठता है और हवा में तैरने लगता है, ये जिससे करके जीन पोस्टर और उसके सभी दोस्त काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद यही बच्चे अब इन लोगों को दूसरी जगह लेके जाते हैं और वहाँ पे इन्हें दिखाते हैं कि एक कोई भी चीज अगर ऊपर से नीचे डालते हैं तो फिर वो चीज ऊपर से वापस आती है और कोई चीजें तो ऐसी होती है जो वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके पास जीन फोस्टर एक डिवाइस निकालती है और उस यहाँ के बारे में सर्च करना शुरू करती है, लेकिन उसी समय अब एक पीछे से कोई बुरी शक्ति होती है जो अब जीन फोस्टर को पीछे ढकेलने लगती है और इसी वजह से जीन फोस्टर अब एक दूसरी दुनिया में पहुँच जाती है जहाँ पर काफी अंधेरा होता है और सामने एक दीवार होती है और उस दीवार पे जीन फोस्टर को एक लाल रंग का लिक्विड मैटर दिखता है। और जैसे ही ईथर अब उस लिक्विड मैटर को टच करती है तब वो सारा का सारा लिक्विड मैटर जीन पोस्टर के अंदर चला जाता है और ये और कोई मैटर नहीं जबकि ईथर होता है। और ये वही ईथर होता है जिसे आज से काफी सालों पहले थॉर के दादा यानी कि बॉर्ज ने जमीन के अंदर डाल दिया था। और इसी इंसिडेंट के बाद यहाँ पे हमें मेलिकथ को दिखाया जाता है जो अब अपने डीप स्लीप में होता है और वो इन ईथर की मदद से नौ रियासत यानी कि नौ प्लैनेट को अंधकार में बदल चाहता था और वो हजारों साल डीप स्लीप में होता है, इसी वजह से वो अब जाग जाता है। जिसके बाद हम जीन फोस्टर को देखते हैं और अब उसे होश आता है और वो अब अपने चारों तरफ किसी को भी नहीं देखती है। जिसके बाद अब जीन फोस्टर उस अबेंडेंसी बिल्डिंग से बाहर जाती है, वहाँ पे देखती है कि अब वहाँ पुलिस खड़ी होती है और इस पुलिस को जीन फोस्टर के दोस्त ने ही यहाँ पे बुलाया होता है। इसीलिए करके जीन फोस्टर अपने दोस्तों के ऊपर काफी गुस्सा करती है और उनसे कहती है कि अब तुम लोगों को मालूम है कि यहाँ पे शील्ड के लोग आ जाएंगे और वो अब इस पूरी लोकेशन को अपने कब्जे में ले लेंगे, लेकिन मुझे इस जगह पे रिसर्च करनी थी, तुमने ये बहुत गलत किया है। यहाँ पे अब जीन फोस्टर की दोस्त जीन को बताती है कि तुम्हें पता है कि तुम पिछले 5 घंटों से गायब थे, इसीलिए हमने यहाँ पे पुलिस को बुलाया था। और ये चीज सुनकर की जीन फोस्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अब जीन फोस्टर अपने सामने थॉर को खड़ा हुआ देखती है और थॉर यहाँ पे इसलिए आया होता है क्योंकि हैमडाल जो पूरी की पूरी नौ प्लैनेट्स पे अपनी नजर रखता है, उसी ने थॉर को बताया होता है कि मुझे कहीं पर भी जीन फोस्टर नहीं दिख रही है और वो मिसिंग है। ये चीज सुनकर की थॉर अब अर्थ पे आ जाता है जीन फोस्टर को ढूंढने के लिए क्योंकि थॉर जीन फोस्टर से प्यार करता था। जिसके बाद थॉर अब जीन फोस्टर से मिलता है और जीन फोस्टर अब पुलिस के पास जाती है और यहाँ पे जो पुलिस होती है वो जीन फोस्टर को अरेस्ट करने वाली होती है क्योंकि जीन फोस्टर बिना किसी को किसी की निजी प्रॉपर्टी के अंदर बिना परमिशन की चली गई थी।
इसने ये पुलिस जैसे ही जीन फॉस्टर को पकड़ती है अरेस्ट करने के लिए, तब वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट से सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे थॉर समझ जाता है कि कुछ गलत हो रहा है और अब जीन फॉस्टर को लेकर के अपने साथ एशगार्ड में आ जाता है। और अब जीन फॉस्टर को एशगार्ड में देख करके थॉर के पिता यानी कि ओडिन वो काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं और वो थॉर से कहते हैं कि इस लड़की को दोबारा मिडगार्ड यानी कि अर्थ में छोड़ आओ वापस। ये चीज सुनकर के अब जैसे ही एशगार्ड के दो सैनिक जीन फॉस्टर को पकड़ते हैं और उसे वापस भेजने की कोशिश करते हैं, तभी उन दोनों सैनिकों को काफी जोर से झटका लगता है और वो दूर जा करके गिरते हैं। इसके बाद ओडिन अब जीन फॉस्टर को चेक करते हैं और उन्हें पता लग जाता है कि जीन फॉस्टर के अंदर अब वो खतरनाक ईथर है जिसे वो अब नए जमीन के अंदर गाड़ दिया था। और इस चीज की जानकारी अब ओडिन थॉर को भी देते हैं। यहाँ पे थॉर अब जीन फॉस्टर के पास जाता है और उसे बताता है कि हाइमडाल को तुम अर्थ पे कहीं भी दिख नहीं रही थी, इसीलिए मैं तुमसे मिलने के लिए अर्थ पर आ गया था। असल में ये नौ प्लैनेट्स जो एशगार्ड के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, लेकिन 5000 साल बाद एक टाइम ऐसा आता है कि जब ये सारी रियासतें एक लाइन में आ जाती हैं, जिससे कि एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने के जितने भी सीक्रेट रास्ते होते हैं वो खुल जाते हैं, लेकिन ये कुछ ही समय के लिए होता है। एक बार ये समय टल जाता तो फिर तुम कभी भी इस दुनिया में वापस नहीं आ पाती। वहीं दूसरी तरफ हमें मेलिकट को दिखाया जाता है, वो अब अपने खास वफादार को जगाता रहता है और उसके अंदर काफी सारी पावर डाल करके अब जानबूझकर एशगार्ड के अंदर एक मंत्री बना करके भेज देता है। लेकिन जैसे ही अब मेलिकट का सैनिक एशगार्ड में पहुंचा है, तब वो अपने असली रूप में आता है और वो अब पूरे एशगार्ड की जेल में तबाही मचाने लगता है। अब उसी जेल में लोकी भी कैद होता है और वो अब उस सैनिक को रास्ता बताता है और कहता है कि तुम्हें बाई तरफ से सीढ़ियों से नीचे जाना चाहिए। और वहीं पे अब एक मेडिकल भी आ जाता है जो किसी भी हालत में अपने सैनिकों के साथ मिलकर के इस पूरी नौरियासी को ईथर की मदद से खत्म करना चाहता था। यहाँ पे मेडिकल को पता होता है कि जीन फॉस्टर के अंदर ही वो ईथर है, इसी वजह से वो जीन फॉस्टर के पास आने की कोशिश कर रहा है। अब थॉर की माँ को दिखाया जाता है जो अब वही पे होती है। अब यहाँ पे मेडिकल का सैनिक आता है और थॉर की माँ को पकड़ लेता है और फिर मेडिकल थॉर की माँ से पूछता है कि बताओ वो लड़की कहाँ पर जिसके पास ईथर है, लेकिन थॉर की माँ उसे नहीं बताती है कि जीन फॉस्टर कहाँ है। इसी वजह मेलिकट का सैनिक थॉर की माँ के पेट में चाकू मार देता है। उसी समय यहाँ पे थॉर आ जाता है और वो अब मेलिकट के ऊपर अपने हथौड़े से अटैक करता है। अब यहाँ पे थॉर मेलिकट को मारने जा ही रहा होता है, उसी समय मेलिकट का सैनिक आ जाता है और वो अपने साथ मेलिकट को लेकर के यहाँ से निकल जाता है। और फिर हम यहाँ पे अब थॉर की माँ को देखते हैं जिनकी अब मौत हो जाती है और ओडिन और थॉर काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं क्योंकि लोकी अपनी माँ से काफी ज्यादा प्यार करता था, उसे अब ये सीन नहीं बर्दाश्त होता है। यही पे थॉर अब ओडिन से कहता है कि मैं जीन फॉस्टर को लेकर के अंधेरी दुनिया में जाना चाहता हूँ क्योंकि जीन फॉस्टर के पीछे मेलिकट जरूर आएगा क्योंकि उसे ईथर चाहिए और वो ईथर पाने के लिए कहीं भी आएगा। लेकिन यहीं पे ओडिन थॉर को ऐसा करने से मना करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगा, जिसके बाद थॉर ओडिन से कहता है अगर मेलिकट यहाँ पे आया तो फिर हमारे लोग भी काफी ज्यादा मारे जाएंगे। और यहाँ पे ओडिन कहते हैं अगर मेलिकट यहाँ पे आएगा तो मेलिकट हमारे हाथों से मारा जाएगा, जिसके बाद हमें अब लोकी को दिखाया जाता है और वो काफी सदमे में होता है क्योंकि लोकी अभी तक अपने मॉम की मौत को नहीं भुला पाया था और साथ ही से काफी गिल्टी भी फील होता है क्योंकि एल्ड्रिन जो मेलिकट का वफादार सैनिक होता है उसी लोकी ने ही रास्ता बताया होता है जिस रास्ते में उसे थॉर की मॉम मिली थी। और कहीं ना कहीं लोकी अपनी मॉम की मौत का जिम्मेदार खुद को ही जान बता रहा होता है। अब यहीं पे थॉर आ जाता है जो लोकी से बात करता है और उसे कहता है कि हमें मेलिकट से लेना है। यहाँ पे नोकी अपनी मॉम की मौत का जिम्मेदार खुद को बता रहा होता है, इसीलिए अब वो भी ये डिसाइड करता है कि वो मेलिकट और उसके वफादार सैनिक एल्ग्रिन को जान से मार के रहेगा, इसीलिए वो थॉर का साथ देने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन इन दोनों को मेलिकट के पास जाने के लिए बायफ्रॉस्ट ब्रिज को क्रॉस करना था, लेकिन अब ओडिन ने बायफ्रॉस्ट ब्रिज को बंद कर दिया होता है। यहाँ पे नोकी को पता होता है कि एशगार्ड से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता कौन सा है, जिसके बाद अब नोकी थॉर और जीन फॉस्टर की मदद करता है एशगार्ड से बाहर निकलने में। वही अब मेलिकट को पता चल जाता है कि जीन फॉस्टर अब एशगार्ड में नहीं है, इसीलिए वो अपने सैनिकों से कहता है कि अब हमें एशगार्ड पर अटैक करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें चाहिए वो अब एशगार्ड में नहीं है। अब जीन फॉस्टर हमारी तरफ खुद चल करके आ रही है, जिसके बाद लोकी थॉर और जीन फॉस्टर अंधेरी की दुनिया में पहुंच जाते हैं और उनके सामने मेलिकट और उनके काफी सारे सैनिक होते हैं। लेकिन यहाँ पे लोकी जो अब थॉर को चीट करता है और वो थॉर के ऊपर चाकू से वार करता है।
जिसके बाद लोकी जेन फॉस्टर को पकड़ लेता है और मैरिकर से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर के आया हूँ। मैं तुम्हें जेन फॉस्टर देना चाहता हूँ, लेकिन उसके बदले मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ से मैं एस्गार्ड को जलते हुए देख सकूँ। यहाँ पे मैरिकर का सैन एलग्रिंच और मैरिकर से कहता है कि मैंने इसे एस्गार्ड की जेल में देखा था और ये एस्गार्ड का दुश्मन है, तो हमें इसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। मैरिकर भी अब लोकी के ऊपर भरोसा करने लगता है, जिसके बाद अब ये लोग जेन फॉस्टर के अंदर से इथन निकालना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद जेन फॉस्टर के अंदर से सारा इथन निकल जाता है। और यहाँ पे हम लोकी को देखते हैं, तो अब थॉर के उस हाथ को जोड़ देता है जिसे लोकी ने काटा होता है। जिस समय लोकी ने थॉर के ऊपर चाकू से वार किया होता है, उस समय थॉर का हाथ कट जाता है और वो हाथ अब दोबारा से जुड़ जाता है, और अब थॉर के हाथों में उसका हैमर भी आ जाता है। यहाँ में पता चलता है कि ये लोकी और थॉर का एक प्लान होता है, वो यही चाहते थे कि एक बार जेन फॉस्टर के शरीर से पूरा इथन निकल जाए। और यहाँ पे थॉर अब अपने हैमर से एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और वो उस ईथर को नष्ट करने की कोशिश करता है, जिससे कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है और इन्हें ऐसा लगता है कि अब पूरा ईथर नष्ट हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि ईथर जो एक काफी पावरफुल मैटर होता है, उसे नष्ट करना नामुमकिन था। इसीलिए अब वो सारा ईथर मैलिखत के अंदर चला जाता है, जिससे कि मैलिखत काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और फिर मैलिखत यहाँ से निकल जाता है और अपने सभी सैनिक और साथ ही एलग्रिन को यहाँ पे थॉर, लोकी और जेन फॉस्टर को मारने के लिए छोड़ जाता है। अब यहाँ पे एलग्रिन और लोकी के बीच बहुत बड़ी फाइट होती है, जिसमें अब एलग्रिन लोकी को बहुत मारता है और उसके शरीर से तलवार भी आर पार कर देता है। लेकिन यहाँ पे लोकी ने एलग्रिन के शरीर में एक बॉम्ब फेंक कर दिया होता है, जिससे कि एलग्रिन अब शून्य में चला जाता है, यानी कि अब एलग्रिन मर जाता है और लोकी ने अपनी मॉम का वचन दे दिया होता है, क्योंकि एलग्रिन ने ही लोकी की मॉम को मारा होता है। और यहाँ पे अब लोकी की भी मौत हो जाती है। और यहीं पे अब थॉर जब लोकी को देखता है, तब वो उसके पास आता है और जो अब थॉर के पास अपना दम तोड़ देता है, और ये चीज देख करके थॉर को काफी ज्यादा दुख होता है। और यहाँ पे जेन फॉस्टर और थॉर अब ये दोनों वहां से निकल करके एक गुफा में जाते हैं, और इसी समय जेन फॉस्टर का फोन रिंग करता है। ये सुन करके जेन फॉस्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि दूसरी दुनिया में उसका फोन कैसे रिंग हो सकता है। जिसके बाद यहाँ पे अब फोस्टर कुछ ऐसी चीजों को देखती है, जिससे देख के वो हैरान हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे अब वो चीजें होती हैं जिसे जेन फोस्टर ने अर्थ में उस बच्चों के साथ एक कुएं में डाला होता है और वो चीजें गायब हो रही, वो सारी चीजें यहीं पे आकर के स्टोर होती हैं। और यहाँ पे जेन फोस्टर समझ जाती है कि यही एक ऐसी रास्ता है जहाँ से हम लोग अर्थ पे पहुँच सकते हैं। जिसके बाद ये लोग अब उस गुफा में थोड़ा आगे जाते हैं और यहाँ से लोग गायब हो जाते हैं। ये लोग अब सीधे अर्थ में पहुँच जाते हैं और अब जेन फोस्टर थॉर सीधे जाकर के डॉक्टर एरिक से मिलते हैं। डॉक्टर एरिक अब इन्हें बताता है कि मिडगार्ड में एक यही एक सेंटर है जहाँ से पूरी नौ रियासतों में जा सकते हैं, और मैनिफेस्ट को इसी लोकेशन पे आना होगा अगर वो पूरी नौ रियासतों को अंधकार में बदलना चाहता है। तो थॉर ये जानता था कि इस समय मैनिफेस्ट अब कहाँ पर मिलेगा, जिसके बाद अब ये सभी मिलकर के ग्रीन विच में आ जाते हैं। यहाँ पर मैनिफेस्ट भी होता है और यहाँ पे अब थॉर जो अपने हैमर के साथ और मैनिफेस्ट का ईथर, इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ी फाइट होती है। वही हम जेन फॉस्टर और डॉक्टर एरिक को देखते हैं। ये दोनों अब अपने लैपटॉप की मदद से हर जगह नए नए पोर्टल ओपन कर रहे होते हैं, जिससे कि मैनिकर के जितने भी सैनिक होते हैं वो अब दूसरे पोर्ट दुनिया में चले जाते हैं। और यहाँ पे अब थॉर अपने हैमर से पूरी ताकत लगा करके मैनिकर के ऊपर अटैक करता है, जिससे कि अब ये दोनों की दोनों एक दूसरे दुनिया में चले जाते हैं। और इसी तरीके से ये दोनों अब नई नई दूसरी दूसरी दुनिया में गिरते रहते हैं। यहाँ पे अब थॉर मैनिकर से अलग हो जाता है और इसी समय मैनिकर को मौका मिल जाता है कि वो अब ईथर की मदद से इन पूरी नौ रियासतों को अंधकार में डालता रहे। और अब जेन फॉस्टर और डॉक्टर एरिक के पास थॉर आ जाता है और वो अब इनकी उनकी डिवाइस जिससे कि ग्रेविटी को कंट्रोल किया जाता है और सभी दुनिया के अलग अलग पोर्टल हर जगह पे ओपन। तब थॉर उस डिवाइस को लेकर के मैलिकर के पास जाता है, मैलिकर के पास अलग अलग पोर्टल बनाने शुरू कर देता है और मैलिकर के पास काफी सारे अलग अलग दुनिया के पोर्टल बनाता है, जिससे कि अब मैलिकर का एक हाथ दूसरी दुनिया में होता है और दूसरा हाथ दूसरी दुनिया में चला जाता है। एज थॉर मैनिकट के पास आता है और थॉर के पास उसका हैमर भी होता है, जिससे कि वो मैनिकट के ऊपर एक बहुत जोर से अटैक करता है। मैनिकट जो अब दूर जाके गिरता है। वहीं हम जेन फॉस्टर को देखते हैं, जो अब अपने डिवाइस की ग्रेविटी कंट्रोल करके मैनिकट को दूसरी दुनिया में भेज देती है। यहाँ पे हम थॉर के पास देखते हैं कि जो मैनिकट का जो विमान होता है वो अब थॉर के ऊपर आकर के गिरने लगता है, लेकिन थॉर को बचाने के लिए जेन फॉस्टर उसके ऊपर आकर के लेट जाती है। लेकिन उसी समय वहाँ दूसरा पोर्टल
खुल जाता है, जिससे कि अब वो विमान उसी दुनिया में चला जाता है जिस दुनिया में मेलिकथ होता है, और वो विमान अब मेलिकथ के ऊपर ही जा करके गिर जाता है, जिससे कि मेलिकथ की मौत हो जाती है। और अब थॉर जीन फोस्टर को लेकर के एस्गार्ड आता है, और यहाँ पे अब ओडिन एस्गार्ड के राजा ओडिन होते हैं, और वो अब थॉर को पूरी नोरिया सितों को बचाते हुए देख करके काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो यहाँ पे थॉर की तारीफ करते हैं। यहाँ पे ओडिन थॉर से कहते हैं कि अब मैं चाहता हूँ कि तुमने जैसे नोरिया सितों को संभाला है, उनमें शांति लाई है, इसी तरीके से अब तुम एस्गार्ड को भी संभालो। लेकिन यहाँ पे थॉर अपने पिता से कहता है कि मैं पूरी नोरिया सितों की रक्षा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अभी एस्गार्ड का राजा नहीं बनना चाहता हूँ। साथ ही और यहाँ पे लोकी की बहादुरी की भी सारी बातें बताता है, और ये बताता है कि कैसे लोकी ने चालाकी से एल्ग्रिन को मारा और अपनी जान गंवा दी। और ये सारी बातें कहने के बाद थॉर यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हम यहाँ पे अब ओडिन को देखते हैं। और वो ओडिन नहीं, जबकि यहाँ पे भेष बदल करके लोकी बैठा होता है, उसने ओडिन का रूप ले रखा होता है। और ये चीज सुन करके लोकी काफी खुश होता है, क्योंकि वो एस्गार्ड का राजा बनना चाहता था। इसके बाद हमें अब एस्गार्ड के दो लोग दिखाए जाते हैं। ये लोग अब ईथर को लेकर के दी कलेक्टर नाम के इंसान के पास जाते हैं, और उसे ईथर देकर के ईथर देते हैं। और यहाँ पे ईथर को रियलिटी स्टोन भी कहा जाता है, और कहते हैं कि इस ईथर को तुम अपने पास रखो। जिसके बाद डी कलेक्टर उन लोगों से कहता है कि तुम लोग ईथर को एस्गार्ड में क्यों नहीं रखना चाहते। तब वो बताते हैं कि एस्गार्ड में पहले से ही एक टेस्टेक्ट मौजूद है, या और हम नहीं चाहते कि एस्गार्ड में दो इन्फिनिटी स्टोन रहे, इसीलिए हम एक इन्फिनिटी स्टोन यहाँ पे देने आए हैं। और जिसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। और अब डी कलेक्टर कहता है कि एक आ गया है और अभी पांच आने बाकी है। यहाँ में पता चलता है टोटल फाइव इन्फिनिटी स्टोन है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी की पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें जीन फोस्टर को दिखाया जाता है, और वो अब मिडगार्ड पे होती है। यहाँ पे जीन फोस्टर थॉर को काफी ज्यादा मिस कर रही होती है, और थॉर अब जीन फोस्टर से मिलने के लिए मिडगार्ड पे आ जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे कम्प्लीटली एंड हो जाती है। तो गाइस प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा है। अगर मेरा रिव्यू आपको पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।